एवरी वन वेलकम टू टूडेज लेक्चर सो टूडे वी आर गोइंग टू कवर दहाजनपद पार्ट ऑफ द एंशियट हिस्ट्री सीरीज एंड रिसेंटली वी हैव कवर्ड द रिग वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी आप उसको पहले देखिए फिर महाजनपद पर आइए बिकॉज उसके ही कुछ पार्ट जो है वो इस वाले टॉपिक के पार्ट रहेंगे अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये जो टॉपिक है मोस्टली वन वर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट लेकिन यूपीएससी के अंदर दिस टॉपिक इज नॉट मच ज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेन्स पर इसलिए हम टू इस टॉपिक को देखेंगे और जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कवर करेंगे आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आप मेरी वीडियोज को इतना सपोर्ट कर रहे हैं इतना देख रहे हैं इतना शेयर कर रहे हैं और कुछ चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा लेकिन सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद में आपसे शेयर करूंगा कि महाजनपद अब महाजनपद पढ़ने से पहले मैंने आपको वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि वो फर्स्ट फेज ऑफ अर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुका था अब महाजनपद को सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन इस टाइम पीरियड को सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन कहा जाता है क्यों कहा जाता है अभी समझते हैं तो अगर मैं ऋग्वेदिक पीरियड की बात करूं तो उधर हमने देखा था जो हाईएस्ट हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारी जन द हाइएस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द रिगे पीरियड वॉज द जन एंड जन किससे बने होते थे जन आपके बहुत सारे विषु मिलके बनाते थे बहुत सारे विषु ये आपकी हाइस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी जन और जन कैसे बनते थे बहुत सारे विषु जब मिलते थे तब और विषु कैसे बनते थे जब बहुत सारे ग्राम मिलते थे जब बहुत सारे ग्राम मिलते थे ओके एंड ये ग्राम कब बनते थे ये ग्राम जो है ये आपके जब बहुत सारे कुल मिला करते थे तो अगर आप एक डायग्राम बनाना चाहें वो बना सकते हैं कि जन जो है उस टाइम पे हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती थी ये जो जन है बहुत सारे विशु से मिलकर बने होते थे और जो विशु है वो ग्राम से मिल बने होते थे और जो ग्राम जो है वो कुल से मिलकर बने होते थे तो कुल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉलेस्ट यूनिट थी आपकी ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर तो हमें ये जो जन है ये जो अभी हमने जन हाइएस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखी थी अब बहुत सारे जन मिलके क्या बना रहे थे जनपद फॉर्म कर रहे थे ये हमने देख लिया था बहुत सारे जन जन यानी लोग पद यानी फुट ठीक है तो बहुत सारे लोग मिलके, जब सेटलमेंट होना स्टार्ट हो रही थी ठीक है बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे जन मिलके जब सेटलमेंट कर रहे थे तो आपके जनपद फॉर्म हो रहे थे जनपद में क्या होता था जनपद में आपकी डिफाइंड टेरिटरी हुआ करती थी जन के अंदर सिर्फ लोग रहा करते थे लेकिन क्या एज अ ट्राइबल एज अ क्लैन बेस्ड होते थे क्लैन यानी वंश ठीक है सिर्फ सेम कास्ट या सेम वर्ण या इस टाइप के लोग साथ में रहते थे लेकिन जब जन से मिलके जनपद बहुत सारे जन जनों से मिलके जनपद जब बना तो एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर वो लिव करने लग गए सपोज ये फर्स्ट जनपद ये सेकंड जनपद ये थर्ड जनपद ये फोर्थ जनपद देन फिफ्थ जनपद देन सिक्स्थ जनपद तो इस तरीके से आपके जनपद फॉर्म हुए एंड जब बहुत सारे जनपद हो गए बहुत सारे जो ना डिफाइंड टेरिटरी के अंदर लोग रहने लग गए तो बहुत सारे जनपदों के बीच में लड़ाई होने लग गई तो सपोज ये फर्स्ट जनपद था ये सेकेंड जनपद था इन दोनों में लड़ाई हुई सपोज ये सेकेंड वन जीत गया तो क्या कर लेता था ये फर्स्ट वन की टेरेटरी ऑक्यूपाई करके इतना बड़ा हो गया तो सपोज अगर जन दस थे अगर जन दस थे तो बहुत सारे जन मिलके क्या बने आपके जनपद बने तो जनपद कितने हो गए सपोज सबने दो दो की पेयरिंग कर ली तो दस में से कितने बन गए पांच आपके जनपद हो गए अब इन पांच जनपदों में लड़ाई हुई आपस में सपोज इनमें से दो दो की लड़ाई हुई या दो या तीन जनों की लड़ाई हुई तो कितने कितने रह गए तो सपोज अब दो महाजनपद यानी अब ये बहुत बड़े हो गए तो एक एलिमेंट ऑफ स्टेट आपका इवॉल्व हो गया तो इधर से हम देख सकते हैं कि जो महाजनपद है वो आपका क्या है सेकेंड फेज ऑफ अर्गनाइजेशन है ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब पहले जन यानी लोग लोगों से मिलकर बना जनपद जब उनकी डिफाइंड टेरिटरी यानी एक टेरिटरी में वो रहने लग गए डिफाइंड टेरिटरी के अंदर रहने लगे तो जनपद बना और जब बहुत सारे जनपद हो गए उनमें जब क्लैशिस हुए जब उनमें फाइट हुई तो ऑब्वियसली एक हारता था तो एक जीतता था तो जो जीतता था जो विन करता था वो दूसरे की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेता था तो उसका और साइज बड़ा हो जाता था स्टेट का या टेरिटरी का तो वो मिलके क्या बनाते थे वो जनपद बनाते थे बेसिकली जो हमें अपने सोर्सेस से पता चलता है वो कितने महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं वो हमारे सिक्सटीन महाजनपद तो आपको क्या करना है बस वो सिक्सटीन महाजनपद याद रखने हैं उनके कैपिटल याद रखनी है दैट सॉल्व फॉर दिस टॉपिक इसके अंदर ज्यादा डीप में जाने का है ही नहीं ओके okay. तो so, वो जो बात जो मैंने कहा था कि जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं वो किसी का कॉपी पेस्ट है अब देखिए आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं क्या है सब ही बुक से तो पढ़ते हैं वेन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन तो जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं तो मैंने कोचिंग की हेल्प तो ली ही है मैंने लेकिन कोचिंग में इतना ध्यान से मैं नहीं पढ़ा तो मैंने जो भी पढ़ा है सिर्फ मैंने बुक्स से ही पढ़ा है और जो टॉपिक्स मेरे को समझ में नहीं आए वो जरूर मैंने यूट्यूब से देखे अब मेरे नोट्स को कम से कम तीन से चार साल हो चुके हैं मेरे को सारी चीजें अच्छे से पता है किस तरीके से रिवाइज करना है किस तरीके से मैंने अपने नोट्स मैपिंग फॉर्मेट में बनाए हैं जस्ट उस वे में मैं शेयर करूँ वैसा तो होगा नहीं कि मैं एकदम ही कुछ नया आपके सामने ले आऊंगा क्योंकि जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है अब मेरे से बेहतर कौन जान पाएगा जिसने टू या थ्री ईयर्स लग गए हैं प्रिपरेशन करने में और जब हमने पढ़, मैंने पढ़ लिया है इतना मैंने तो बिफोर ट्वेंटी वन ही ये चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दी थी तो मेरे को तो हो गए हैं दो तीन साल तो मेरे से अच्छा कौन समझा पाएगा हाँ अगर आपको समझ में आता है जिनको ये वीडियो से हेल्प मिलती है मैं तो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको दूसरे पे फॉरवर्ड करना है दूसरे टीचर पे मूव ऑन करना है वो कर सकते हैं पर ये मेरा तरीका है मैं आपको कुछ नया तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन आपको चीजें समझाने की जरूर कोशिश करता हूं बिकॉज जब मैं भी यूट्यूब से पढ़ता था तो एक की वीडियो समझ में नहीं आती थी दूसरे पे स्विच करता था क्यों करता था वो रीजन मेरे को पता है हो सकता है ये चीजें आपके साथ ना हो तो मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे प्रोसीड करते हैं कि महाजनपद जो वर्ड है आई होप सो मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि महाजनपद क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमरजेंस ऑफ टेरिटोरियल किंगडम यानी जब छोटी छोटी टेरिटरी मिलके बड़ी बड़ी किंगडम्स में इवॉल्व हो गई ठीक है दैट रूल्ड ओवर पीपल और क्या हो गया लोगों पे रूल होने लग गया लोग यानी जन तो हमारा क्या इवॉल्व हुआ हमारा महाजनपद इवॉल्व हुआ सो दिस इज ऑल अबाउट द महाजनपद और अगर मैं बात करूं कि ये जो एविडेंसेस है हम किस बिहाफ पे बोल रहे हैं तो इफ आई टॉक अबाउट द सोर्सेस of the महाजनपद so we have the two sources. The first one is the Buddhist literature. Buddhist literature में एक है अंगूतारा निकाय करके I am sorry for the pronunciation, but एक अंगुतारा निकाय जो कि आपका Buddhist लिटरेचर है इसके अंदर महाजनपद के बारे में लिखा गया है तो उधर से हमने हेल्प ली है और दूसरा है भगवती सूत्र विच इज अ जैन text. There इज ऑल्सो मैंशन अबाउट the महाजनपद सो फ्रॉम there टेकन दॉपिक महाजनपद और वहां से हमने हेल्प ली है सो इफ आई टॉक अबाउट द महाजनपद तो टोटल आई हैव टोल्ड यू की आपके टोटल सिक्सटीन महाजनपद थे टोटल आपके सिक्सटीन महाजनपद थे लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया यानी वेन वी रीज टू तो दिक्कत सेंचुरी बी सी तो उधर आपके फोर जो सबसे पावरफुल किंगडम्स जो थे वो जो रह गए थे वो कौन थे जिन्होंने सरवाइव करा था सिक्स सेंचुरी बीसी के अंदर एंड दीज वर दौशल अवंती एंड मगध दीज वर द फोर किंगडम विच सरवाइव इन द मिड सेक्स सेंचुरी बीसी सो ये आपके चार पावरफुल किंगडम थे सिक्सटीन में से जो कि आपके लास्ट में सरवाइव करे थे यू कैन नोट इट डाउन नाउ टेक आउट द मैप और आप मेरे साथ मैप ड्रॉ कीजिए ठीक है अब मैं ये नोट्स शेयर करने में मेरे को दिक्कत नहीं होती मैं शेयर कर दू लेकिन अंटिल और अनलेस आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक चीजें आपको कम रिटेन रहेगी आप ये देखिए ना मैंने पहले अपने नोट्स बना रखे वो भी मैंने बनाए थे देन उनका शॉर्ट करके मैं अगेन ये सारी चीजें फिर से लिखता हूं तो इससे क्या है मेरे को चीजें रिटेन रहती है ऐसे ही तो आपको चीजें रिटेन रहेंगी तो चलिए लेट सी अबाउट द नॉर्थन मोस्ट महाजनपद द फर्स्ट वन इज कम्बोज कंबोज जिसकी कैपिटल क्या है राजपुरा जिसकी कैपिटल है राजपुरा ये कहां पे आपका या आप अपना जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं इधर देन द ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट इज गंधारा या आप लिख लेना जो आपका नॉर्थन मोस्ट जो आपका महाजनपद है वो आपका कंबोज राजपुरा जिसकी कैपिटल है एंड वेस्टर्न मोस्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर है ओनली दिस इज द वन महाजनपद जो कि आपका पाकिस्तान में लाइक करता है और यही आपका क्या है आई थिंक यस दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट महाजनपद दैट इज गंधारा जिसकी कैपिटल क्या है तक्षीला नाउ आगे मूव ऑन करते हैं देन देखते हैं अब ये जितनी भी सेटलमेंट है ना महाजनपद के टाइम पे क्या हुआ था कि अब जो लोग हैं वो आपके कहां पे मूव ऑन करने लग गए थे पहले तो इंडस रिवर के पास रहते थे तो हमने उसका डिक्लाइन फेज देखा तो धीरे धीरे लोग जो है ना वो ईस्टवर्ड यानी ईस्टर्न साइड पे मूव ऑन करने लग गए थे ईस्ट साइड पे मूव ऑन करने लग गए थे इससे क्या हुआ सेटलमेंट जो है वो आपकी गंगा रिवर के पास होने लगी ठीक है तो इसलिए इस तरीके से आपके स्टेट इवॉल्व हुए वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड में इस तरीके से चले तभी आपके ईस्ट साइड पे भी आपकी अर्बेनाइजेशन होने लगी इसलिए इसे सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन कहा गया तो अगर बात करें दिल्ली और हरियाणा के अंदर जो आपका था वो था महाजनपद कुरु जिसकी कैपिटल क्या है इंद्रप्रस्थ कुरु को कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है तो ये कहां पे है आपका आपका दिल्ली और हरियाणा के बीच में आप बोल सकते हैं देन लेट अस सी द राजस्थान साइड राजस्थान के अंदर आपका एक जो आपका महाजनपद है वो है आपका मत्स्य मत्स्य जिसकी कैपिटल है आपकी विराट नगर जिसकी कैपिटल है विराट नगर अब नाउ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट दैट इज उत्तर प्रदेश जिसके अंदर आपके सबसे ज्यादा महाजनपद थे वो थे आपके फर्स्ट वन इज सूरसेना सूरसेना इज जिसकी कैपिटल थी मथुरा देन पंचाला पंचल या पंचाला जिसकी कैपिटल थी कमपीलिया कमपीलिया नहीं इट्स कमपीलिया ठीक है एंड देन नेक्स्ट वन इज कौशल कौशल की आपकी कैपिटल uh, थी सरस्वती देन मल्ला मल्ला की थी कुशीनगर देन वत्स वत्स की थी कौशंबी एंड काशी काशी जिसकी कैपिटल है वाराणसी ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट में सबसे ज्यादा आपके क्या है महाजनपद थे वो है आपके उत्तर प्रदेश हालांकि आपने मोस्टली जो मैप है वो आपने फिजिकल मैप में ही देखा होगा रिवर गंगा रिवर के आसपास ठीक है मैंने आपको पॉलिटिकल मैप में दिखा रहा हूं ताकि आपको आ, इसके अंदर समझने में ज्यादा आसानी हो जाती है देन बात करते हैं अपना देन बिहार के अंदर आपके तीन थे जो कि सेकेंड मोस्ट आप बोल सकते हैं जहां पे आपके महाजनपद हैं तो फर्स्ट है आपका वज्जी जिसकी क्या है आपकी कैपिटल वैशाली एंड देन अंग जिसकी कैपिटल है चंपा एंड देन मगध जिसकी कैपिटल है राजगृह तो अगर मैं देखूं ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है कौन सा है आपका महाजनपद वो है अंग जिसकी कैपिटल है चंपा देन बात करते हैं मध्य प्रदेश कि मध्य प्रदेश में आपका छेदी जिसकी कैपिटल है सुक्तिमती एंड देन अवंती अवंती की कैपिटल क्या है उज्जैन ठीक है देन बात करते हैं अपने साउथन मोस्ट साउथन मोस्ट महाजनपद की वो है आपका असाका असाका या अस्मक भी कोई बोलते हैं सो कहीं कहीं पे आप अस्मक नाम भी देखेंगे तो जिसकी कैपिटल है आपकी पैठान अगर मैं बात करूं कौन सी रिवर से पास होता है तो आप बोल सकते हैं गोदावरी रिवर से ठीक है तो अस्माका जो है वो आपके गोदावरी रिवर के पास पास जाता है आई होप सो आपको मैथ काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये आप देख सकते हैं ये कुछ वन वर्ड या आप बोल सकते हैं इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे गंगा रिवर के पास टोटल कितने महाजनपद थे तो वो थे आपके टेन बाकी के जो छे थे वो एग्जिस्ट करते थे लेकिन गंगा रिवर के पास नहीं करते क्योंकि आप देख सकते हैं ईस्टर्न मोस्ट साइड पे भी है वह साउथन में भी है तो ये भी है तो नॉर्थ में भी है ये सब क्या गंगा रिवर के पास तो नहीं है तो गंगा रिवर के कितने महाजनपद पास थे वो थे वो जो गोदावरी रिवर से पास करते महाजनपद वो कौन सा है अस्मक या गोदावरी रिवर जहां से पास करते जिस महाजनपद से वो है आपकी अस्मक महाजनपद मेंशन इन ऋग्वेदा ऋग्वेदा के अंदर कौन सा महाजनपद मेंशन है वो है आपका छेदी ऋग के अंदर कौन सा महाजनपद मेंशन है वो है आपका छेदी और अथर्ववेद में जोन सा महाजनपद मेंशन है वो है आपके तीन जो कि है गंधारा मगध एंड अंग तो अंग की कैपिटल है चंपा मगध की कैपिटल है राजगिरी है और गंधार की है तक्षीला और छेदी की है सुक्तिमती अगर आप थोड़ी भी याद रख लेना तो पेपर में आपको एलिमिनेट हालांकि अब एलिमिनेशन के ऊपर तो नहीं आता क्वेश्चन इस तरीके से इतने आसान क्वेश्चन नहीं आने लगे हैं Prelims में लेकिन फिर भी वन परसेंट एक्सेप्शन रख के क्या पता हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें श्योरिटी तो रहनी चाहिए आप सोलह में से कम से कम दस तो याद रखने की कोशिश करिए तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेकिन याद रहे अभी आगे बढ़ने से पहले आपको ये देखना है अब हम आगे क्या पढ़ेंगे वो है हम पढ़ेंगे मगध के बारे में क्योंकि चार तो रह गए थे लेकिन इनमें से जिसने और लास्ट में सरवाइव सर्वाइव करा था वो था मगध इस अब क्या हुआ था मगध का राइज हुआ था तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज राइज ऑफ मगध कि मगध किस तरीके से मगध ने सरवाइव करा मगध ने कैसे कैप्चर करा मगध सबसे बड़ा किंगडम कैसे हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपना राइज ऑफ मगध और फिर हम चलेंगे अपने मॉडर्न एम्पायर की तरफ तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो